मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अब मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ तुझे मारने के बाद करूंगा। साउथ में क्या होने वाला है थर्ड वर्ल्ड वॉर? क्यों है बॉलीवुड वर्सेस हॉलीवुड वर्सेस साउथ? अल्लू अर्जुन के लिए क्यों जरूरी है पुष्पा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका स्वागत करती हूं बॉलीकास्ट स्टूडियोज में। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अभी हालात पूरी तरीके से संभले भी नहीं है कि फिल्म निर्माताओं ने अपनी मच अवेटेड फिल्मों की रिलीज डेट्स का ऐलान करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब कई फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर पहुंचने की तैयारी कर रही हैं। पहले जहां आम तौर पर सिर्फ दो ही फिल्मों के क्लैश बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिलते थे, तो वहीं अब साउथ से लेकर हॉलीवुड तक की फिल्में भी हिंदी फिल्मों को कड़ी चुनौती दे रही हैं। तो कौन सी हैं वो क्लैश मूवीज? सबसे पहले क्लैश हो रहा है बेल बॉटम और फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी फिल्म बेल बॉटम 19 अगस्त को लेकर सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचने वाले हैं। मगर इसी दिन हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 भी इंडियन थिएटर्स पर धमाका करने को तैयार है। लेकिन दोनों ही फिल्में एक दूसरे से काफी अलग हैं। अगले साल संक्रांति 2022 के लिए अभी से ही सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राधे श्याम, महेश बाबू की सरकारु वारी पाता और पवन कल्याण की अयपम कोश्यम की रीमेक के बीच ऐलाने जंग हो चुका है। ये तीनों ही साउथ फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगी, जिससे साउथ में एक बहुत ही बड़ा क्लैश देखने को मिल रहा है, जिसे थर्ड वर्ल्ड वॉर भी कहें तो चलेगा। लाल सिंह चड्ढा और पुष्पा नाम तो सुना ही होगा। बता दें कि बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और साउथ के स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन के बीच भी मुकाबला होना तय है। दोनों ही सितारे अपनी पैन इंडिया रिलीज फिल्म को लेकर क्रिसमस 2021 के मौके पर सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचने वाले हैं। ये पैन इंडिया फिल्म अल्लू अर्जुन के लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि ये उनकी पहली पैन इंडिया फिल्म होगी। इससे इन्हें पैन इंडिया एक्टर का खिताब मिलेगा। लेकिन अगर इसकी रिलीज में जरा भी कमी रह गई तो लोगों को ये पसंद नहीं आई तो ये पुष्पा स्टार के लिए मुसीबत बन सकती है। RRR और अखंडा भी इसी लाइन में शामिल है। बाहुबली निर्देशक SS राजमौली की फिल्म RRR दशहरे के मौके पर 13 अक्टूबर 2021 को रिलीज होने की तैयारी में है। दिलचस्प बात यह है कि रामचरण जूनियर NTR और अजय देवगन स्टारर फिल्म से भिड़ने की तैयारी में है नंदामुरी बालकृष्ण। बता दें कि वो अपनी फिल्म अखंडा को इसी साल दशहरे के मौके पर रिलीज करेंगे। अब दोनों साउथ रिलीज में कौन बाजी मारता है ये इनके पिक्चर की स्टोरीज ही बताएंगी, जो कि पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इन आने वाली बेहतरीन क्लैशेस के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ में ये भी बताइए कि आप किस क्लैश को लेकर किस क्लैश जोड़ी के इंतजार में हैं। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।